फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आप देख रहे हैं जय गेम्स HD और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज हम खेलने वाले एक और नया क्रिकेट 19 में से माई प्लेयर क्रिकेट मोड का एपिसोड। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो फटाफट लाइक मार देना, शेयर जरूर करना दोस्तों के साथ और चैनल्स को सब्सक्राइब कर दो अगर फर्स्ट टाइम यहाँ विजिट कर रहे हो। तो आज किस क्रिकेट 19 का जो करियर मोड है, तो यहाँ पे भाई T20 स्लैम के जो है और ज़्यादा मैचेस जो है बढ़ने वाले हैं, उनको खेलने वाले हैं। जो कप के जितने मैचेस आएंगे T20 स्लैम के, यानी कि जितने मैचेस आएंगे उनको ट्राई करेंगे उसमें अच्छी परफॉर्मेंस करने का। आई होप सो सब अच्छा परफॉर्मेंस जाए। और एक और गुड न्यूज़ है कि हमारे ऑस्ट्रेलियन में जो उनके लीग होते हैं वहाँ से भी कुछ मिला है, बिग बैश नहीं, जो उनके दूसरे लीग्स होते हैं जहाँ पे उनकी टेस्ट क्रिकेट वगैरह होती है वहाँ पे हमको एक ऑफर मिला है, तो वो हमने एक्सेप्ट कर लिया है। तो वो अभी फिलहाल इस वीडियो में नहीं आया, लेकिन नेक्स्ट आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा जब भी उसके मैचेस रहेंगे। तो अब चलते हैं मैच की तरफ। और हैम्पशायर ने टॉस के लिए कॉल किया है। आई होप सो कि हमारी बाद में ही जो है बैटिंग आए, हम रन चेज करें तो ज़्यादा बेहतर है, बिकॉज पहले रन बनाने वाली टीम तो 100% यहाँ पे हार ही रही है। तो हैम्पशायर वॉन द टॉस एंड दे इलेक्ट टू, भाई इस बंदे का नाम क्या है किसी को पता हो तो नीचे लिख देना कमेंट सेक्शन में। ओके तो चलो अच्छी बात है, रन चेज करने वाले हैं। आई होप सो रन चेज के टाइम तो हम अच्छा करें, लेकिन मैं एक बॉल जो यहाँ पे फील्डिंग करना चाहता हूँ और मैं आपको दिखाऊंगा कि फील्डिंग कैसी होती है यहाँ पे। लेकिन मेरे पास कभी बॉल नहीं आई आज तक, मैं इतनी बार ट्राई किया कि जब भी करूँ मेरे पास बॉल है लेकिन बॉल कभी आती नहीं है। तो चलो रन चेज तो हो चुके हैं यहाँ पे, रन जो है उन्होंने बनाने थे वो बना लिए, लेकिन अब रन चेज करने वाले हैं। तो हियर वी गो, 67 हाईएस्ट है मेरा अभी तक जितने भी T20 के मैचेस खेले मैंने, कुछ ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं दी है। तो आई होप सो कि जाए अच्छी। बहुत ही बढ़िया गेंद थी, बहुत स्लो थी, लेकिन हमारा शॉट भी अच्छा था और एक रन से शुरुआत तो कर ही ली हमने, लेकिन हमारी विकेटें भी कुछ ज़्यादा ही गिर रही हैं ऐसा लग रहा है। मुझे पहली विकेट गिर चुकी थी, लेकिन ये शॉट बहुत ही बढ़िया और ये गेंद जाएगी सीधे 4 रन के लिए। बहुत ही बेहतरीन शॉट और 4 रन मिले हमको यहाँ पे। लाजवाब बैटिंग, अगर कुछ ऐसा ही कुछ स्पेशल करना पड़ेगा हमको तभी हम जो बिल्ड कर सकते हैं कुछ। ये बढ़िया शॉट तो नहीं बोलूंगा मैं यार, मुझे ऐसा लगा कि मेरे बैट के बहुत ऊपर गेंद लगी है। ये एक्शन रिप्ले समझ में आएगा, ये देखिए बहुत ऊपर लगी थी लेकिन फिर भी गैप में चलेगी। शॉट गेंद बाउंसर भी थी और जबरदस्त पुल और ये गेंद जाएगी सीधे 6 रन के लिए। ये कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी शॉट था और बहुत ही क्रैकिंग था एकदम, मतलब बॉल काफी बाउंसर डालने की ट्राई तो की थी यहाँ पे। ओहो, बहुत ही तगड़ा प्रहार और ये गेंद गई सीधे 6 रन के लिए। स्ट्रेट ड्राइव करने की कोशिश की थी लेकिन कुछ ज़्यादा कामयाबी मिली नहीं है। और इसकी एक और शॉट गेंद और इस बार फिर से पुल करने की ट्राई की थी लेकिन गैप में गई है गेंद। चलो एक रन तो मिल ही जाएगा, ज़्यादा कुछ तो नहीं हो पाएगा यहाँ पे। बहुत ही बढ़िया। ओके फ्लर की बॉल बहुत ही बाहर थी लेकिन इस बार भी कड़ा प्रहार और ये गेंद, फील्डर वहाँ मौजूद होने के बावजूद शॉट वहां पे खेला और ये गेंद गई है 6 रन के लिए। बहुत ही जबरदस्त प्रहार और कुछ क्रैकिंग लग रहे हैं मुझे, कुछ ज्यादा ही तगड़े शॉट लग रहे हैं। बहुत ही बढ़िया शॉट लेकिन फील्डर वहां पे मौजूद है। एक्स बॉल, फिर से शॉट गेंद, ओ ये तो कुछ ज्यादा ही बाउंस हो गई यार मेरे पास तो। ओ भाई 4 भी हो गई ये तो, कैसे हो? ओ भाई मेरे सर के ऊपर से गई गेंद, कुछ ज्यादा ही बाउंस मारने की ट्राई की थी बंदे ने। ये शॉट बढ़िया है लेकिन पीछे फील्डर मौजूद है तो 1 ही रन मिलेगा यहाँ पे। ओके ये गेंद ऊपर और सीधा खेलने की ट्राई की थी लेकिन थोड़ा सा बैट जो मुझे लगा ट्विस्ट हो गया इनका, ट्विस्ट यानी कि थोड़ा सा हिल गया बैट जिसकी वजह से गेंद कहीं और ही चले गई। बॉल ऊपर, गेंद और हवाई फायर, फील्डर थोड़े ऊपर है और ये गेंद निकल जाएंगी 4 रन के लिए। बहुत शानदार शॉट और 4 रन। ऐसे ही शॉट्स की जो है उम्मीद रखते हैं कि मिलते रहे। बहुत ही बढ़िया लाजवाब शॉट। एक्स बॉल, ये बेहतरीन शॉट है और 1 रन तो मिल ही जाएगा। चलो बाउंड्री नहीं मिली लेकिन ठीक है। 61 गेंदों में 89 चाहिए अब। ओह यार पता नहीं क्या हो रहा है, मतलब स्टार्ट जो है मेरा काफी अच्छा हो रहा है लेकिन मैं उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा हूँ अच्छे तरीके से। मतलब स्टार्ट को जो बिल्डअप करके एंड तक लेके नहीं जा पा रहा हूँ, यही गड़बड़ जो है यहाँ पे बार बार हो रही है। यॉर्कशायर हमारी टीम जीत तो गई है, मैं आपको खास देखो जो भी टीम सेकेंड इनिंग में बैटिंग करती है मोस्टली वो जब भी हम लोग सिमुलेट करते तो उस टाइम पे वो टीम जीत जाती है, लेकिन हमारा परफॉर्मेंस इतना कुछ खास अच्छा रहा नहीं। एज ए ओपनर हमने स्टार्ट तो अच्छा दिया था लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि उसके अलावा भी बहुत कुछ हो सकता था, हम इस मैच में जो अपनी टीम को आगे तक लेके जा सकते थे और एंड तक रह सकते थे तो कुछ हो जाता, लेकिन चलो कोई बात नहीं, चलते हैं नेक्स्ट मैच की तरफ। और यॉर्कशायर ने फिर से कॉल किया है टॉस के लिए। आई होप सो हम टॉस जीते और पहले भैया फील्डिंग करें, मतलब रन चेज ही करने हैं हमको, और कोई ऑप्शन नहीं। निकोलस पुरन भैया प्लीज डोंट डू सच थिंग्स,
कम ऑन, अरे भाई इसने बैटिंग ले लिया यार, चलो बैटिंग तो करनी पड़ेगी अब। ओके 67 अभी हाईएस्ट, बहुत ही बेहतरीन शॉट और ये गैप में गई गेंद और 4 रन मिलेगा, बहुत ही सुंदर शॉट, बाउंड्री के साथ आगाज किया हमने भाई साहब, ये देखो बहुत ही बढ़िया शॉट और जबरदस्त कट, डॉट गेंद पुल जड़ दिया है लेकिन अच्छे तरीके से लगा नहीं है, तो एक तो मिल जाएगा, नहीं ज्यादा ट्रबल करेंगे हम। नेक्स्ट बॉल, ओहो ये गैप में तो बिल्कुल नहीं था लेकिन क्या करें, हमने शॉट को अच्छा खेला था वैसे। ओके स्पिनर को लाया गया यहाँ पे और स्वागत जो है बहुत बढ़िया हुआ है इनका, स्पिनर आए तो है लेकिन बाहर भी गए, बेहतरीन शॉट, यहाँ पे मिलेंगे हमको 6 रन। ओके नेक्स्ट बॉल, फिर से बाहर गेंद की थी और जबरदस्त ड्राइव वहां पे और पीछे डीप में कोई भी फील्डर सेट नहीं था, तो 4 रन हमको मिल गए यहाँ पे। ये थोड़ा अजीब सा लॉजिक लगा स्पिनर का, किस हिसाब से फील्डिंग जो है सेट की हुई, अभी फिर से पीछे कोई नहीं है, लेकिन इस बार हमने थोड़ा सा ऑन साइड खेल दिया था लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ, फील्डर वहां मौजूद थे मिड विकेट पे जिसने कि ये बॉल रोक दी। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर फिर से ड्राइव किया और कोई फील्डर वहां पे मौजूद नहीं है, तो ये गेंद जाएगी सीधे 4 रन के लिए, बेहतरीन शॉट और एक और सुंदर बाउंड्री वहां पे। चलो हमारी 50 तो नहीं हो रही लेकिन 50 की पार्टनरशिप तो हमने कर ही दी है। ओके फिर से गेंद बाहर है, फिर से सेम शॉट और इस बार फिर से ये गेंद जाएगी 4 रन के लिए, बहुत बेहतरीन शॉट, 4 रन, लाजवाब बैटिंग। और जांपा को खेल दिया है यहाँ पे, मुझे लगता है 2 ले सकते हैं अगर लेना चाहे, नहीं एक ही मिलेगा भाई, 2 की तरफ जाए ना नहीं तो बलि कुठार बन जाएंगे फिर से। ओके नेक्स्ट बॉल, बेहतरीन शॉट लेकिन एक ही मिलेगा, कोई बात नहीं एक भी चलेगा, ये बढ़िया शॉट है गैप में है, एक और रन ढूंढ लिया हमने यहाँ पे, मतलब रन चेज तो करनी है फिलहाल, तो सिंगल डबल तो हम कर ही सकते हैं और एवरेज ठीक ठीक चल रही है हमारी 9.8 टाइम के हिसाब से, बहुत ही बढ़िया शॉट, पीछे फील्डर मौजूद है तो एक रन मिलेगा यहाँ पे, सिंगल जितनी ज़्यादा हो सकते उतनी ट्राई कर रहे हैं हम लेने की और स्ट्राइक रोटेट करते जा रहे हैं ताकि कुछ ज़्यादा देर जो हम विकेट पे टिके रहे भाई। बढ़िया शॉट गैप में है, पीछे फिर से फील्डर मौजूद, तो एक और रन यहाँ पे हम चुरा लेंगे। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा और इनिंग बिल्ड करता रहूँ और खड़ा रहूँ विकेट पे, जितनी ज़्यादा खड़े रहेंगे उतना ही अच्छा हमारे लिए। ये बढ़िया शॉट है लेकिन मुझे लगता है फील्डर आ जाएगा और ये बॉल भी रोक लेगा भाई यहाँ पे। ओके कोई बात नहीं, नेक्स्ट बॉल, थोड़े हल्के स्पिनर कुछ, अरे नहीं और यार ये दिन तो मतलब सर इतने बैड डेज जा रहे ना मेरे लिए, मतलब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कैसे यार कैसे, एक तो मिडल ऑर्डर देखो 31 स्कोर किया हमने, 4 चौके एक छक्का लगा, 28 गेंदों में काफी अच्छा जो था स्कोर बिल्ड किया था हमने, और एक रन से मैच तो जीत गए, ये थोड़ा अलग हुआ कि हमने पहले बैटिंग करते हुए मैच जीत गए, ये तो कुछ ज्यादा सरप्राइज वाली बात थी, लेकिन दिस वाज अ वेरी बैड डे फॉर मी। तो चलो कोई बात नहीं, ये एपिसोड यहीं तक, आई होप आपको वीडियो पसंद आई, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।